यहाँ पर तीन दिन के तप के बाद स्वामी विवेकानंद को भारत माता की अनुभूति हुई थी, उसी जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत के संकल्प के साथ 45 घंटे की मौन साधना कर रहे हैं। और जिस शिला पर साधना के बाद स्वामी विवेकानंद ने दुनिया को हिंदुत्व का ज्ञान हुआ था, उसी शिला पर ध्यान लगाकर प्रधानमंत्री दुनिया को तप और साधना का संदेश देने जा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की इस तपस्या से विपक्ष बहुत परेशान है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। जब पीएम मोदी ने जलमग्न द्वारका में तपस्या की तब भी विपक्ष का विरोध देखने को मिला, और जब पीएम मोदी ने केदारनाथ में तपस्या की तब भी विपक्ष का विरोध देश ने देखा था, और जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तब भी विपक्ष ने प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया, और जब शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण हुआ उस समय भी विपक्ष ने विरोध किया। जब संसद में संगोल की स्थापना हुई उस समय भी विपक्ष ने सवाल खड़े किए थे, वहीं जब राफेल की शक्ति पूजा हुई तब भी विपक्ष के नेताओं ने तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दी थी। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या ये विरोध मोदी के खिलाफ है या फिर सनातन के खिलाफ। आइए इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। चरण के चुनाव में देश के कोने कोने में मोदी की ताबड़तोड़ जनसभा, 206 रैलियां, 14 रोड शो निपटाने के बाद मोदी अब कन्याकुमारी में ध्यान लगा रहे हैं। सियासी शोर से दूर कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक पर पीएम मोदी साधना कर रहे हैं, तप कर रहे हैं और आध्यात्म का संदेश दे रहे हैं। पीएम मोदी का आध्यात्म प्रेम जग जाहिर है। पीएम मोदी केदारनाथ में भी साधना कर चुके हैं, तो द्वारका में पानी के नीचे भी पीएम मोदी ने मेडिटेशन किया था। पहली तस्वीर 18 मई 2019 की है, जब 2019 के लोकसभा चुनाव का प्रचार थमने के बाद भी प्रधानमंत्री ने इसी तरह ध्यान किया था, तब वो दो दिन केदारनाथ में रहे थे। दूसरी तस्वीर 18 जनवरी 2024 की है, जहां राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने केरल के गुरुवायूर मंदिर के दर्शन किए थे। और तीसरी तस्वीर 25 मई 2024 की है, जहां पीएम ने गुजरात के द्वारका में समंदर के नीचे जलमग्न द्वारका नगरी में जाकर प्रार्थना की थी। अब पीएम मोदी के कन्याकुमारी वाले ध्यान से विपक्ष परेशान होने लगा है। ममता बनर्जी ने तो दो टूक कह दिया कि अगर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम टीवी पर दिखाया गया तो वो चुनाव आयोग पहुँच जाएंगे, क्योंकि वो भी पीएम का प्रचार ही होगा। तिहत्तर दिन चले इस चुनावी शोर के बाद अब पीएम मोदी के ध्यान कार्यक्रम ने विपक्ष में उथल पुथल मचा दी है। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी, आरजेडी से लेकर टीएमसी पार्टी, सब पीएम के कार्यक्रम को ड्रामा बता रहे हैं और चुनाव आयोग से पीएम के प्रोग्राम के खिलाफ शिकायत दे चुके हैं। बहुत अच्छी बात है, जा रहे हैं। मैं तो समझती हूँ कि जाने की क्या जरूरत है, घर पे भी बैठ के अगर मेडिटेशन अगर आप कर सकते हैं, कोई भी मेडिटेशन कहीं भी कर सकता है, लेकिन उसका इतना प्रचार नहीं होता है मैं समझती हूँ, तो ये अच्छी बात है और जाएं जहाँ जाना चाहिए। इतने शब्दों का आपने इस्तेमाल किया जैसा इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ, और वो भी ध्यान करेंगे। आपको असल में रिफ्लेक्शन करना चाहिए, आत्मचिंतन, और आत्मचिंतन बिना कैमरे के करिएगा। आपकी आदत है कि गुफा में भी जाते हैं तो 5 कैमरा पहले से सेट कर लेते हैं। प्रचार खत्म होने के बाद पीएम मोदी की साधना शुरू हो चुकी है, और इसी के साथ शुरू हो चुकी है विपक्ष की सियासत, जो अब 1 जून तक जारी रहेगी, जब तक मोदी ध्यान लगाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
4 जून के बाद अगले 6 महीने में भारत में कौन सा राजनीतिक भूचाल आने जा रहा है, इसका ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। देश में आने वाले इस राजनीतिक भूचाल का संकेत खुद प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि 4 जून के बाद देश में कुछ बड़ा होने वाला है। अगले 6 महीने में देश में बहुत बड़ा भूचाल आएगा। उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद ये राजनीतिक भूचाल होगा। भूचाल में परिवारवादी पार्टियां बिखर जाएंगी। पीएम मोदी के इस बयान को क्या समझा जाए, क्या करप्शन का फुल एंड फाइनल होने जा रहा है, आपको इसी पर एक रिपोर्ट दिखाएंगे। यूं कहें कि प्रधानमंत्री मोदी का जो बयान आया है वो सुना। 4 जून के बाद अगले 6 महीने में देश में बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है। ये परिवारवादी पार्टियां अपने आप बिखर जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो बेहद चौंकाने वाले फैसले करते हैं, जबकि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश जिन फैसलों पर चौंकता है उसके संकेत वो काफी पहले से देना शुरू कर देते हैं। और इसीलिए अगर मोदी कहते हैं कि अगले 6 महीने में राजनीतिक भूचाल आने वाला है तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, वो भी तब जब चुनाव में 400 पार का नारा दिया जा रहा है। 4 जून के बाद अगले 6 महीने में देश में बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है। ये परिवारवादी पार्टियां अपने आप बिखर जाएगी। 7वें और आखिरी चरण के लिए प्रचार का शोर थम चुका है। 1 जून को 57 सीटों पर वोट डाले जाने हैं, जिनमें पीएम मोदी की वाराणसी सीट समेत कई हाई प्रोफाइल सीटें शामिल हैं, जहां दिग्गजों के लिए साख का सवाल ये सीटें बनी। वाराणसी में नरेंद्र मोदी बनाम कांग्रेस से अजय राय के बीच में मुकाबला है। गोरखपुर में रवि किशन बनाम समाजवादी पार्टी से काजल निषाद के बीच में लड़ाई है। ये आप गोरखपुर में जो दिलचस्प लड़ाई है उसके ग्राफिक्स देख रहे हैं। मिर्जापुर की बात कर लेते हैं, जहां पर अपना दल से अनुप्रिया पटेल के खिलाफ राजेंद्र बिंद का मुकाबला है। वहीं गाजीपुर सीट की बात करें तो यहां पर बीजेपी से पारसनाथ राय हैं और समाजवादी पार्टी से अफजाल अंसारी के बीच टक्कर देखने को मिलेगी। वहीं घोसी में एनडीए सहयोगी एसबीएसपी से अरविंद राजपर बनाम सपा के राजीव राय के बीच में फाइट है। यानी इस आखिरी चरण में बड़े बड़े दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं। ये देश के नक्शे की वो तस्वीर है जहां आखिरी चरण के लिए 1 जून को वोट डाले जाने हैं। इन सीटों में उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर, पंजाब की भी 13 सीटों पर, पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर, बिहार की 8, ओडिशा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 और केंद्रीय शासित प्रदेश चंडीगढ़ में मतदान होना है। लेकिन इन 57 सीटों में कुछ ऐसी सीटें भी हैं जिन पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां वाराणसी, गोरखपुर, बलिया, मिर्जापुर, गाजीपुर जैसी सीटें शामिल हैं। बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 400 पार का जो दावा किया जा रहा है वो सच साबित होकर रहेगा। सुनिए गाजीपुर में रोड शो के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा। 400 पार हो, 4 तारीख को जनता को मालूम पड़े, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश और देश हमारी सीटों का रिकॉर्ड तोड़े। उधर गोरखपुर जैसी हाई प्रोफाइल सिटी पर चुनाव लड़ रहे रवि किशन के समर्थन में योगी आदित्यनाथ ने भी प्रचार किया और यूपी को पूरी तरह से माफिया मुक्त कराने का वादा किया। उत्तर प्रदेश अब माफिया मुक्त लगभग हो चुका है, जो बाकी एकाध बच्चे होंगे उनका भी सफाया हो जाएगा। इनके वॉर रूम में बाल नोचे जा रहे हैं, अब ब्लेम गेम शुरू होगा। 4 जून के बाद इसको कोसेंगे, उसको कोसेंगे। आप देखिएगा ना, ये 26 लोग प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे। हम लोग 5 जून के बाद फिर से हमारे पास लिस्ट आ जाएगी पूरे साल की। हम लोग कहीं ना कहीं किसी कार्यक्रम में फिर 5 साल जैसे चलते हैं वैसे चलने लगेंगे और देश की सेवा, गरीबों की सेवा करेंगे। उधर वाराणसी सीट को लेकर कांग्रेस के अजय राय का कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पर पहुंच गया। हम तो लगातार लगे हैं ना, हमारे कार्यकर्ता देखिए, हमारे दिन रात लोग लगे हैं। हमारे इस बार जनता चुनाव लड़ रही है, जनता सबसे आगे है, जनता लड़ रही है। और
वो तो लीड बढ़ाने की बात करके इस बार सबसे बड़ी लीड वो वक्त बताएगा। कह तो रहे हैं कि 14 नहीं रुके, 19 नहीं रुके, 24 में क्यों रुक रहे हो भाई बनारस में। आखिरी चरण की जंग में हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट और मंडी पर लोगों की नजरें टिकी हैं, क्योंकि हमीरपुर से बीजेपी के अनुराग ठाकुर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि मंडी से कंगना रनौत पहली बार चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। जबकि पश्चिम बंगाल में सबकी नजरें डायमंड हार्बर से चुनाव लड़ रहे अभिषेक बनर्जी पर हैं, और बिहार की काराकाट सीट से भोजपुर स्टार पवन सिंह भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। यानी आखिरी चरण का यह रण दिग्गजों की किस्मत का फैसला करने वाला है। और चलिए आपको यहां पर यह भी बता देते हैं कि इस लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के अलावा और बाकी दिग्गज नेताओं ने कितनी रैली और रोड शो किए हैं। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ 206 चुनावी रैली की हैं और 14 रोड शो किए हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 115 रैलियां और 15 रोड शो किए हैं। विपक्षी गठबंधन से राहुल गांधी ने जहां 65 रैली और 4 रोड शो किए, तो वहीं अखिलेश यादव ने 69 रैली और 3 रोड शो किए। और अब बात करते हैं उस हाई प्रोफाइल सीट की जो बीजेपी के लिए साक का सवाल है। ऐसे में खुद सीएम योगी मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत के लिए मंडी के मैदान में उतर गए। इस दौरान उन्होंने कंगना की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े और मीराबाई से लेकर लक्ष्मीबाई तक से उनकी तुलना कर दी। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट पर मुकाबला किंग बनाम क्वीन का है। कांग्रेस की तरफ से हिमाचल सरकार में मंत्री और वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह हैं, तो बीजेपी की ओर से मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत दमखम दिखा रही हैं, जिनके लिए बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और सनातन के सच्चे पुजारी योगी आदित्यनाथ प्रचार करने मैदान में उतरे। हिमाचल की इस लड़की ने देखिए, उसमें मीराबाई की भक्ति है, उसमें महारानी पद्मिनी का तेज है, और विरोधियों से जूझने के लिए महारानी लक्ष्मीबाई का शौर्य और वीरांगना का भाव भी है। आपने देखा होगा कांग्रेस को और उद्धव ठाकरे की सरकार को कैसे सड़कों पर ला करके पानी पिलाने के लिए मजबूर कर दिया था इन्होंने मुंबई में। तब लोग पूछते थे कि कंगना रनौत कौन है। तब यहां से जयराम ठाकुर जी का बयान आया था, कहा कि हमारी यहां की बेटी है और अगर कोई कुछ बाल बांका भी करेगा यहाँ की दूर भूमि खड़ी हो जाएगी। मंडी में चुनाव का शोर है तो प्रचार का जोर है। इस सीट की खास बात यह है कि ये कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी के खाते में जाती रहती है। मंडी सीट पर अब तक 17 बार लोकसभा चुनाव और 3 बार उपचुनाव हो चुके हैं। इसमें 13 बार राज परिवार के सदस्यों ने जीत दर्ज की है, लेकिन बीते 3 चुनाव में बीजेपी को 2 बार और कांग्रेस को 1 बार जीत मिली है, और इस बार बीजेपी का दावा है कि कंगना रनौत की वजह से जीत मिलेगी। क्यों एक ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया जिनके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उनके इस नजरिए से आज स्वयंसेवक के लोग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग भी उस चीज को उठा रहे हैं, तो ये चिंतन का विषय है। क्या भाजपा के पास और कोई अच्छा प्रत्याशी नहीं था? महेश्वर सिंह जी नहीं थे, ब्रिगेडियर कौशल ठाकुर नहीं थे, या और ऐसे लोग नहीं थे? तो ये चिंतन उनको करना है। मगर जहां तक हमारी बात है, हम एक पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मकता के साथ और हिमाचल प्रदेश को और मंडी संसदीय क्षेत्र को देश का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र बनाने की ओर अग्रसर है। देखिए, मैं इस तरह के जो भी हैं, मुझे लगता है कि इस तरह के जो अभद्र टिप्पणियां जो वो कर रहे हैं और बार बार जिस तरह की बातें कर रहे हैं, भगवान उनको खुद ठिकाने लगाएगा। और जिस तरह से पता चल जाएगा 4 जून को कि किसको भगवान का आशीर्वाद मिला है मंदिरों में और किसको जो है वहाँ से जो है वो फटकार पड़ी है, ये 4 जून को पता चल जाएगा। यानी क्वीन बनाम किंग की इस लड़ाई को और दिलचस्प बनाने के लिए खुद सीएम योगी ने मोर्चा संभाला है और हिमाचल की मंडी में उन मुद्दों को उठाया है जिससे 80% वोट बैंक को साधा जा सके। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कहते कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे,
लेकिन पंजाब में उनकी सरकार है, पंजाब में दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। देश के अंदर टीएमसी और कांग्रेस कहती है कि हम मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बंगाल में जहां टीएमसी की सरकार है वहां एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। ऐसे ही हर राज्य में इनके हाल है। और इनका घोषणा पत्र, कांग्रेस का घोषणा पत्र तो ऐसे लगता है जैसे मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र हो। मंडी संसदीय सीट देश की दूसरी सबसे बड़ी और काशी के बाद दूसरी सबसे हॉट सीट है। यहाँ महंगाई, बेरोजगारी, पर्यटन विस्तार, बेहतरीन सड़क सुविधा जैसे मुद्दे चुनाव का रुख बदल सकते हैं। लेकिन चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जैसे ही सीएम योगी ने मोर्चा संभाला, लड़ाई राम भक्त और राम द्रोहियों के बीच हो गई। अब इंतजार 4 जून का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण से ठीक पहले पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लोगों के लिए संदेश जारी किया। उन्होंने कहा है कि काशी के लोगों को 1 जून के दिन नया रिकॉर्ड बनाना है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए काशी भक्ति और शक्ति की नगरी है। इस नगरी का प्रतिनिधि होना बाबा विश्वनाथ की असीम कृपा से और आप काशीवासियों के आशीर्वाद से ही संभव हो पाया है। और ये नए भारत के निर्माण का चुनाव है। युवाओं का उत्साह बूथ पर दिखना चाहिए। ये बार का चुनाव नव काशी के साथ विकसित भारत के निर्माण का चुनाव हो। काशी के लोगन के 1 जून के दिन नया रिकॉर्ड बनावे के हो। साथियों, बीते 10 वर्ष में केंद्र सरकार के हर योजना में काशी हमार साथ देले हो, हमके मार्गदर्शन देले हो। बाबा विश्वनाथ का भव्य धाम, काशी रिंग रोड का प्रोजेक्ट, बनारस के रेलवे स्टेशन का विकास, गंगा घाट के विकास से रोपवे प्रोजेक्ट तक हर योजना काशी ही नहीं पूरे पूर्वांचल के नए विकास से जोड़ ले हो। अभी विकास का गति आपके वोट से आगे बढ़े वाली हो। हमारे नामांकन के दिन युवा पीढ़ी कैसे एक अलग उत्साह में रहल, अब यह उत्साह हर बूथ पर दिखे, हमारे यह आग्रह हो। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों।